हाई गाइज, नमस्ते, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई एम सुमन। बहुत सारी बारी ऐसी सिचुएशंस आती है कि हम रात को बहुत ही थका हुआ फील करते हैं, एग्जॉस्ट फील करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता खाना बनाने का, हम ऑफिस से थके हुए आए हैं, हम कॉलेज से थके हुए आए हैं, मम्मी की तबीयत ख़राब है, पापा की तबीयत ख़राब है, घर में कुछ सिचुएशन नहीं है खाना बनने का, और हम खुद भी बड़े टूटे हुए हैं कि हम कुछ अपने लिए रेसिपीज़ बनाएँ। सो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? भूखे सो जाएँ, हल्दी वाला दूध पी लें, पपीता खा लें? ना। और उसके बावजूद अगर आपको कोल्ड एंड कफ कंजेशन भी हो, उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन भी हो, उसके साथ साथ अगर आपको एन्जाइटी भी हो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों कि आपको नींद भी ना आए, उसका इक्वल टू रिजल्ट्स निकलता है अगले दिन हमारा 1 से 1.5 किलो का वेट गेन। दो वो फैट हमारा इंक्रीज़ नहीं हुआ, बट बॉडी ने वाटर को रिटेन कर लिया। उसके साथ साथ आपके पूरे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो सूज गए हैं, क्योंकि उनको रेस्ट नहीं मिला, आपने एग्जॉस्ट कर दी अपनी पूरी बॉडी, बिल्कुल एकदम थका हमारी बॉडी को, और सुबह उठ के पूरी बॉडी में सूजन आती है। सो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? अब हम ऐसे तो सूजन लेके नहीं घूम सकते ना। सो ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं यहाँ पे लेके आई हूँ 2 एकदम हेल्दी सुपर रेसिपीज, जिसकी हेल्प से नंबर 1 आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, नंबर 2 थकावट हट जाएगी, नंबर 3 आप फ्रेश फील करोगे, नंबर 4 5 मिनट में बनने वाली रेसिपीज़ है। 5 मिनट मैंने बहुत ज़्यादा बोला, जस्ट 3 to 4 मिनट्स में बनने वाली रेसिपीज़ हैं। सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, घर पे इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सस्ते हैं, ईजी है, पॉकेट फ्रेंडली है। और ये जो रेसिपीज़ हैं ये कोई भी बना सकता है, मतलब कि एक पैम्पर्ड बच्चे से लेकर एक मैच्योर पर्सन तक कोई भी बना सकता है। हमें कुछ इस टाइप की अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से हमारा जो बॉडी है वो गुड फील करे, आपके ऑर्गन्स आपको थैंक यू बोले, आपकी बॉडी आपको थैंक यू बोले कि थैंक यू इतना ख्याल रखने के लिए। आप अच्छा दोगे, आप अच्छा लोगे, आप अपनी बॉडी का खूब अच्छे से ध्यान रखोगे, आपकी बॉडी स्वेल नहीं करेगी, ब्लॉट नहीं करेगी, आपकी बॉडी आपको लीन दिखाई देगी, प्लस उसके साथ साथ आप हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे, बीमारियों से बच के रहोगे। मॉनसून चल रहा है, ये जो रेसिपीज़ हैं ये मॉनसून से लेके विंटर्स तक आप यूज़ कर सकते हो, और ये बहुत ही हेल्दी हैं, बहुत ईजी है बनाने में, और हार्डली लेती हैं बहुत ही कम समय। सो ये रेसिपीज़ कैसे बननी है, चलते हैं किचन। ओके, सो सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं सूजी का शीरा। उसके लिए यहाँ पे मेरे पास है एक पैन, अब इसके अंदर मैं डालूँगी मेरा 1 चम्मच जितना घी, अब इसके अंदर मैं डालूँगी यहाँ पे मेरे 2 चम्मच जितने सूजी, 1 चम्मच, 2 चम्मच, इसको खूब अच्छे से अब हम मिक्स करेंगे। ये एक बंदे के लिए हम बना रहे हैं। ओके, अब ये बिल्कुल अच्छे से लाइट ब्राउन हो गया है, मुझे 3 से 4 मिनट लगा है इसको अच्छे से सिम आंच पे भूनने में। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1/2 कप ऑफ मिल्क, मेरा दूध, खूब अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे, खूब अच्छे से 1/2 कप ऑफ और मिल्क, ओके। अब मैं इसके अंदर डालूंगी मेरी किशमिश, 7 से 8 किशमिश, खूब अच्छे से अब हम इसे, जैसे ही इसका फर्स्ट बॉईल होगा उसके बाद हम इसको गैस को बंद कर देंगे। ओके, अब ये रेडी है, अब मैं इसको बंद कर दूंगी। परफेक्ट, अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारा जैगरी पाउडर, 1 चम्मच जितना जैगरी पाउडर हम इसके अंदर डाल देंगे। गैस बंद करने के बाद, मेक श्योर गैस बंद करने के बाद, ये गैस चला कर अगर आपने जैगरी पाउडर डाल दिया तो दूध के फटने के पूरे पूरे चांसेस हैं। दैट्स इट एंड इट्स रेडी, और अब हम इसे सर्व करेंगे। वेरी यमी एंड कोल्ड कफ कंजेशन को भगाएगा, एंड आपको अगर थोड़ी सी भी थकावट है बहुत अच्छी नींद आएगी इसको लेने के बाद। ऑलराइट, सेकंड रेसिपी अब हम बनाने जा रहे हैं ओट्स एंड कोकोनट का शीरा। सो यहाँ पे मेरे पास है पैन, पैन के अंदर मैं यहाँ पे डाल दूंगी मेरा 1 चम्मच जितना घी। नेक्स्ट इसके अंदर अब मैं डालूंगी यहाँ पर ओट्स, ये रहे मेरे पास
एक चम्मच, दो चम्मच जितना ओट्स। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है कोकोनट, गरी है जो हम पूजा में यूज़ करते हैं पानी वाली, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, सो इसके भी हम डालेंगे एक चम्मच, दो चम्मच, तीन चम्मच जितना कोकोनट। खूब अच्छे से अब हम इसे मिक्स करेंगे, बहुत ही अच्छे से, और सिम आँच पर इसको अब हम पकाएंगे, बिल्कुल सिम आँच पर अब हम इसे पकाएंगे, बिल्कुल सिम आँच पर। अब ये पक चुका है, इसके अंदर अब हम डाल देंगे एक गिलास जितना मिल्क। और इसको खूब अच्छे से अब हम मिक्स करेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है किशमिश, 7 से 8 किशमिश हम इसमें डाल देंगे। मेरे टफी को बहुत अच्छी खुशबू आ गई है और टफी बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ है क्योंकि इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, आप खुशबू से ही ठीक हो जाओगे। एक उबाला लाएंगे हम इसमें, जस्ट वन उबाला, और उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। ओके जी, ये उबाला आ गया है, इसको अब कुछ नहीं छेड़ना, इसको बंद कर देना, बंद। नेक्स्ट इसके अंदर अब हम डाल देंगे हमारा जैगरी पाउडर, एक चम्मच जितना, नहीं मिलेगा, खूब अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। गैस बंद करने के बाद ही हमने इसमें जैगरी का पाउडर जो है वो ऐड करा है, खूब अच्छे से इसे मिक्स करा है, एंड इट्स रेडी। ओके जी, सो ये हमारी जो शीरा है ये बिल्कुल रेडी है। ओके, एंड दिस इज रेडी, एंड इसको पीने के बाद सुबह आप एकदम फ्रेश उठोगे। वेलकम बैक जी। सो जिन जिन लोगों को PCOD का प्रॉब्लम है वो लोग कोकोनट मिल्क यूज़ करेंगे इन रेसिपीज़ में, या फिर आप यूज़ करेंगे आलमंड मिल्क या ओट मिल्क घर पे बना हुआ। मेरी बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी हैं जो कि मैंने वीडियोज़ डाली हुई हैं इन सारे मिल्क से रिलेटेड। अनदर पॉइंट इज़ कि मान लो आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो, बिल्कुल थके हारे टूटी हुई बॉडी लेकर बैठे हुए हो, ऐसी सिचुएशन में आप फुल फैट मिल्क में ये बनाना और आप सो कर देखना, आपको इतना प्यारी नींद आएगी, इसको लेने के बाद इतनी प्यारी नींद आएगी, यू फील रिलैक्स्ड। थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करना बहुत ज़रूरी है, जब भी आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो, थकी हो, हारी हो, बिल्कुल आपकी बॉडी के अंदर जान ना हो, ऐसी सिचुएशन के अंदर आपने अपने पैरों के नीचे गर्म पानी की बॉटल रख कर सोना है ताकि आपको रिलैक्स हो, आपके पैर रिलैक्स हो। सबसे ज़्यादा बॉडी का जो पार्ट है वो टूटता है वो है पैर, सबसे पहले पैरों में दर्द चालू होता है ना, तो पैरों को अगर आप थोड़ी सी राहत दोगे, या मालिश कराने के लिए हर किसी के पास लोग तो होते नहीं आसपास ना, तो पैरों को जितना रिलैक्स मिलेगा उतना पूरी बॉडी को रिलैक्स मिलेगा। सो मेक श्योर थोड़ी 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 चीज़ें करेंगे जिसकी हेल्प से आपकी बॉडी आपको थैंक यू बोले और आपका अगले दिन का जो वेट है वो गिरा हुआ है, आपकी बॉडी को रेस्ट मिलेगा, एग्जॉस्ट कम होगी, आपको नींद अच्छी आई 8 घंटे की, सुबह आपका ऑटोमेटिकली वेट गिरेगा क्योंकि आपका डाइजेशन जो है वो बहुत अच्छा होगा। अगर आप अपने आप को तोड़ते चले जाओगे, बॉडी को बिल्कुल एग्जॉस्ट करते चले जाओगे, बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे अपनी तरफ कि हाँ जी हाँ मैं तो कर लूँगी, ऐसा मैं किया करती थी, मुझे पता चल गया मेरी जब बैंड बजी ना तबीयत को लेकर, तो इसलिए मैं अपना पहले खूब ध्यान रखती हूँ। और आपको अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्लैब्स आते हैं वेट लॉस जर्नी में, जब आपको खांसी, जुखाम, बुखार, इन्फेक्शन, बॉडी का टूटना, स्ट्रेस आना, एनजाइटी आना और बिल्कुल ठीक फील नहीं करना, ऐसी सिचुएशन में आपको एक चीज़ शांति देती है वो होता है खाना। बट खाना ऐसा खाना जिसकी हेल्प से आपका वेट लॉस जर्नी बिल्कुल भी ना हिले, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। जब भी आपका मीठा खाने का मन करे, बहुत सारी वेराइटीज़ रेसिपीज़ मैंने वीडियोस डाली हुई, आप वो पिक करो या फिर ये रेसिपी पिक करो, एंड आई एम श्योर आपके मन को शांति मिलेगी, आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा और उसके साथ साथ आपकी बॉडी आपको थैंक यू भी बोलेगी, थैंक यू। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। सो मेक श्योर अगर आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा टूटे अकेले या फिर एग्जॉस्ट फील कर रहे हो, जंक पे जंप मत करना, बाहर से कुछ गंदा, बाहर से कुछ अनहेल्दी आइटम ऑर्डर मत करना, इसको बनाओ, इसको लो, शांति से सोएंगे पैरों के नीचे गर्म पानी की बॉटल लगा के। मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में मैं ये दिखाती हूँ, ये रहे मेरा व्लॉगिंग का चैनल, एंड यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें दिखाती हूँ सेल्फ केयर, सेल्फ पैम्पर्ड चीज़ों के लेकर।
सो आप उसको फॉलो करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा. सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज. आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू. ये रेसिपीज डेफिनेटली ट्राई करना एंड दोनों के दोनों बहुत ही यम्मी है, बहुत ही डिलीशियस है. सो थैंक यू सो सो मच. सो टेक केयर जी. आई सी यू इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो. टेक केयर जी. बाय बाय.